हेलो एवरीवन, एपिसोड वाइज से शुरू होता है जहाँ पर ख़त्म हुआ था। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यूसी मुयांग से कहती है कि तुम रात के टाइम पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, अगर मैंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें सजा दी जाएगी। और इसी बात को चेक करने के लिए यूसी और लिली बाहर रात के समय आते हैं। अब मुयांग भी उन्हें देख कर वहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा होता है और इसी के साथ वो दोनों की दोनों सो जाते हैं। अब आगे तो उन दोनों के सो जाने पर लिली की आँख उठती है और उस टाइम पर लगभग सुबह हो ही चुकी थी और वो यूसी को भी उठाती और कहते कि चलो वापस चलते हैं। दूसरी तरफ हम मुयांग को देखते हैं जो कि कहता है कि फाइनली वो दोनों की दोनों चले गए। वो सीधा नीचे गिर जाता है। इसी के साथ जब वो रास्ते में जा ही रहे होते हैं तो लिली यूसी से कहती है कि क्या तुमने कोई आवाज सुनी, जिस पर यूसी कहती है कि रहने दो। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि उसे कोल्ड हो चुका था। इसी के साथ हमें मुयांग दिखाई देता है जो कि वहाँ पर सो गया था। और अब सुबह हो जाती है, चंदर उसके पास आते हैं जिसको देख कर मुयांग को लगता है कि शायद सिपाही उसे सजा देने के लिए आए हैं। अब जिस पर वो कहता है कि प्लीज मुझे सजा मत देना, मैं रात को बाहर नहीं गया था। जनरल उसके कान में कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कल रात यूसी को कोल्ड हो चुका है, आज के बाद वो तुम्हें चेक करने के लिए नहीं आएगी। और ये सुनकर मुयांग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिस पर जनरल कहता है कि अब मेरी ड्यूटी लगी है। तो मुयांग कहता है कि क्या कहा तुमने, यूसी चाहती है कि अब तुम मुझे बैठ कर देखो पूरी रात भर। और अब वो रोने लगता है और कहता है कि आखिर वो चाहती क्या है और अगर ऐसे ही चला तो मैं कभी भी टिंगशन की पावर को नहीं सीख पाऊंगा। अब यहाँ पर जनरल उससे कहते हैं कि मैं इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ, देखो जितने भी बगल में ट्राई पोर्ट रखे हैं वो सबके सब तुम्हारे लिए, तुम उसके अंदर छुप कर प्रैक्टिस कर सकते हो और देखना उसके बाद तुम टिंगशन की पावर को भी सीख जाओगे। जिस पर मुयांग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जब वो आपस में बात कर ही रहे होते कि तभी उन दोनों को रियलाइज होता है आगे के सारे रखे हुए ट्राई पोर्ट गायब हो चुके हैं। जिस पर जनरल कहता है कि अभी तो वो यहाँ पर थे, तभी वहां से एक आदमी गुजर रहा होता है उससे चंदर पूछता है तो वो आदमी बताता है कि उन्हें तो सुबह ही भेज दिया गया था। और अब यहाँ पर उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है यूसी की तरफ, जहाँ पर उसकी दासी उसके पास आती है यानी कि लिली, और उसे बताती है कि अब आप आराम से रह सकते हो क्योंकि आपका काम हो चुका है। जिस पर यूसी कहती है कि हाँ मैं जानती थी कि जनरल कहीं ना कहीं उसके साथ तो जरूर देंगे और इसलिए मैंने मौका रहते ही वो सारी चीजें साफ करती जिससे कि वो प्रैक्टिस कर पाए। और अब वो कहती है कि मुझसे लड़ने आया था बेवकूफ। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे काफी ज्यादा कोल्ड हो चुका था। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है वो यांग की तरफ जो कि कहता है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। तभी उसकी नजर बगल में रखी कैसे ट्राइपॉड की तरफ जाती है जो कि लगभग उसी की तरह दिख रहा था, लेकिन असल में वो खाने बनाने वाला बर्तन था। और अब मुयांग को एक आइडिया आता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम शॉन क्विन को देखते हैं जो कि एक लेटर लिख रही होती है। और अब हमें पुरानी बात बताई जाती है कि वो किस चीज के लिए लेटर लिख रही है। यहाँ पर जब शॉन क्विन कोंगजो से पूछती है कि वो स्कूल अकेडमी में क्यों नहीं जाना चाहता है, इस साल तो उसका टेस्ट भी है ना, लेकिन कोंगजो साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे स्कूल में जाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है और वैसे भी वहाँ पर तो कितने फेमस लोग भी आ रहे हैं, तुम जाकर एक लेटर लिख देना और उसे एकेडमी में दे आना, इस बात की खबर मेरे भाई को नहीं होनी चाहिए। शॉन क्विंग उसे मना भी करती है बट वो नहीं मानता है और वहाँ से जाने लगता है। शॉन क्विंग उसे मना भी करती है और कहती है कि अब इस सारी सजा मुझे ही मिलेगी। यहाँ पर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर वो लेटर लिख रही होती है, तभी वहाँ पर उसका भाई भी आ जाता है यानी कि कोंगजू का, उसका नाम चेंग हाओ था। वो शॉन क्विंग से कहता है कि क्या तुम जानती हो कि कोंगजू इस टाइम पर कहाँ गया है, मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश भी करी लेकिन मुझे वो इस घर में कहीं भी नहीं मिल रहा। तो जिस पर शॉन क्विंग बताती है कि वो लियू एकेडमी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है और वो यहाँ से जा चुका है, मैंने उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करी लेकिन उसने मुझे कहा कि मैं ये लेटर देखकर एकेडमी में भेज दूं और इसकी खबर आपको नहीं मिलनी चाहिए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर चेंग हाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो कहता है कि आखिर तुम होती कौन हो, तुम्हें ये बात आकर मुझे बतानी चाहिए थी सबसे पहले और तुम यहाँ पर लेटर लिख रही हो, तुमने मेरी फैमिली के रूल्स भी तोड़े इसलिए अब तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। शॉन क्विंग उसके पैरों के सामने गिर जाती है और कहती है कि प्लीज मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं करा था। अब जिस पर चेंग हाओ कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, वो वहाँ पर वापस आना चाहिए और वो लिव एकेडमी में जरूर जाएगा। मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारे वजह से ही हो रहा है, तुम उसे भड़काए जा रही हो, अगर वो ये सब कुछ करेगा तो उसके फ्यूचर में क्या होगा, और कहीं ना कहीं तुम भी उसका साथ दे रही हो, तुमने जानबूझकर उसकी राइटिंग में ये लेटर लिखा है ना। अब शॉन क्विंग कहती है कि आज के बाद मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, लेकिन यहाँ पर चेंग हाओ को गुस्सा आ जाती है और अपने लोगों को कहता है कि इसको इतना मारना जब तक इसकी अकल ठिकाने ना आ जाए। और इसी के साथ हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लोग उसे बहुत ज्यादा मारते हैं यानी कि इतना ज्यादा। और अब यहाँ पर शॉन क्विंग सोचती है कि आखिर वो कहाँ गया, मुझे उससे कभी हाँ करना ही नहीं चाहिए था, इससे अच्छा तो
वो इस फैमिली में फिर से वापस आ जाए। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और अब हमें 7 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जब लिली और यूजी बाहर आते हैं तो वो बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि एक बड़े से बर्तन के सामने खड़े हो रखे थे और वो सबके सब बात कर रहे होते कि इसके अंदर से खाना गायब है। यूजी सोचती है कि लगता है आज मुयांग यहाँ पर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने नहीं आया, बट यहाँ पर दूसरे लोग उसे बताते हैं कि मुयांग इस बर्तन के अंदर जा रखा है और वो छुपा हुआ है, पता नहीं वो क्या चाहता है, उसकी वजह से हम सबका खाना नहीं बन पा रहा है। और अब लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि इसके वजह से आज पता नहीं कितने लोग भूखे रह जाएंगे। यूसी बर्तन के पास आती है और मुयांग से कहती है कि क्या वो अभी भी बाहर नहीं निकलेगा, सच में क्या तुम्हें आज का खाना नहीं खाना। लेकिन हम देखते हैं कि मुयांग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। अब यहाँ पर बाहर आपस में लोग बातें करने लगते हैं कि किस तरह का मजाक चल रहा है, मुयांग को आखिर हो क्या गया है। यहाँ पर जनरल को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और अब वो कहते हैं कि अगर वो 10 की गिनती के अंदर अंदर बाहर नहीं निकला तो वो खुद ही इस ढक्कन को खोल देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि मुयांग बाहर नहीं निकलता है। अब जिस पर जनरल उस ढक्कन पे खींच के मारते हैं तो ढक्कन सीधा आसमान में उड़ता है, मुयांग हीरो की तरह एंट्री लेता है, जिसको देखकर सबके सब चौंक जाते हैं। लेकिन वहाँ पर खड़े आदमी के ऊपर वो ढक्कन गिर जाता है और वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। यहाँ जनरल उससे कहते हैं कि आखिर वो करना क्या चाहता है और इसकी सजा अब उसे जरूर मिलेगी। और अब वो यहाँ पर अपने वेपन से मुयांग के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मुयांग को टिंगशन की पावर आ चुकी थी और अब वो जनरल के वार को हरा देते हैं। ये सब कुछ देख कर इवन के सब चौंक जाते हैं। मुयांग कहता है कि देखो मैं शर्त जीत चुका हूँ और अब तुम्हें शर्त के मुकाबले मुझे कल सेरेमनी में जाने दोगी ना, जानती हो मैंने इसके लिए पूरी रात दिन प्रैक्टिस करी, इवन की ये जानते हुए भी कि तुमने मुझे मना करा है और तुमने मुझे रोकने के लिए क्या कुछ नहीं करा, सारे के सारे ट्राइपॉड छुपा दिए, लेकिन तभी भी मैंने हार नहीं मानी और फाइनली आज मैं इसे सीख चुका हूँ, तो तुम क्या कहती हो। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी बातों पर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था और वो सबके सब उस बर्तन को लेकर जाने लगते हैं। यहाँ जनरल उसकी सबासी करते हैं और कहते हैं कि तुमने सच में बहुत अच्छा करा। मुयांग जनरल के कान में कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स मेरा साथ देने के लिए। और अब वो दोनों की दोनों यूजी और लिली के पास आते हैं और कहते हैं कि अब तो मैंने प्रैक्टिस कर भी चुकी है, मैंने अपने वादे को पूरा करा, अब तुम्हारी बारी है। यहाँ पर यूजी कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे खूबसूरत बनाओगे है ना, तो जब तक मैं खूबसूरत नहीं बन जाती हूँ तब तक तुम कहीं भी नहीं जाओगे। अब जिस पर मुयांग कहता है कि इस बात की तो कभी बात हुई नहीं थी, तो जिस पर यूजी कहती है कि अगर तुम्हें नहीं करना तो रहने दो, मैं अपना होमवर्क करने जा रही हूँ, लेकिन तुम कल सेरेमनी में नहीं जाओगे। और अब जिस पर मुयांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगती है और इसी के साथ आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। इसका नेक्स्ट पार्ट अगले मंडे तक आ जाएगा, तब तक के लिए बाय।